कपिल शर्मा शो से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से फैबो फैक्ट्स के चैनल में आपका स्वागत है। फैबो फैक्ट्स आपको कपिल शर्मा शो के बारे में ऐसी 10 बातें बताएगा जिस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सच्चाई तो यही है। हमने कई बार ऑडियंस को खुद से गेस्ट से क्वेश्चंस करते देखा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही कहती है। दरअसल ये स्क्रिप्टेड होता है, क्वेश्चन करने वाले भी और क्वेश्चंस भी, और कई बार ऑडियंस द्वारा गेस्ट के साथ डांस या फिर कुछ और एक्टिविटी की रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड होता है। शो क्रू के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि कब और कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। कपिल शर्मा शो में जितने भी गेस्ट आते हैं उनके इंटरव्यू की शूटिंग दोपहर या तो शाम को होती है, लेकिन अक्षय कुमार इकलौते ऐसे हैं जिनके लिए इंटरव्यू की शूटिंग सुबह 6 बजे से होती है। हालांकि शो तो स्क्रिप्टेड ही होता है, फिर आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि फिर कपिल शर्मा का रोल ही क्या है, क्योंकि कोई और भी कॉमेडियन है जो कि शो को चला सकता है। कपिल शर्मा की खास बात यह है कि वो अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिख सकते हैं और वो ये भी बताते हैं कि किस डायलॉग को कब और किसके द्वारा बोला जाना चाहिए। बिना गेस्ट की शूटिंग दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक चलती है, लेकिन उसके बीच वहां बैठी ऑडियंस कहीं भी नहीं जा सकती जब तक शो की शूटिंग पूरी ना हो जाए। वहां लोगों को शो क्रू अपने अकॉर्डिंग बैठाते हैं, और अर्चना जी के पीछे जो लड़कियां बैठती हैं वो कोई रैंडम ऑडियंस नहीं होते बल्कि मॉडल्स होती हैं जिन्हें पे किया जाता है। कई बार ऐसे भी डायलॉग्स होते हैं जिसपे लोगों को हंसी नहीं आती, तो उन्हें हंसने को कहा जाता है ताकि जो ऑडियंस शो देख रहा हो वो भी हंसे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो तब सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। शूटिंग करते वक्त काफी गलतियां होती है और फिर से उसकी शूटिंग की जाती है, इसीलिए शूटिंग में काफी टाइम लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया जाता है, या फिर ऑडियंस में से ही कुछ लोग खुद से आना चाहते हैं। हालांकि उनका स्टेज पर जाना तो स्क्रिप्टेड ही होता है, पर ऑडियंस में से किसको डांस करना है ये पहले से ही तय किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कपिल शर्मा के लिए या फिर वहां आए सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए कुछ तोहफे लाए हों, लेकिन वो तोहफा शो के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ऑडियंस के साथ कई बार देखा जाता है कि कपिल शर्मा मस्ती मस्ती में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिसे सुनकर हमें ये लगता है कि उन्हें इसके लिए खराब क्यों नहीं लगा। लेकिन रुक जाइए, इसके पीछे भी अलग कहानी है। दरअसल ऑडियंस को पहले ही ये स्क्रिप्ट दिखा दिया जाता है ताकि उन्हें बाद में गंदा फील ना हो या इंसल्ट फील ना हो। ऑडियंस के राजी होने पर ही वो इस सीन को अंजाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फैबो फैक्ट्स अगली शानदार वीडियो के साथ फिर से मिलेगा।